नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज 9 अक्टूबर 2020 शुक्रवार का दिन है, बहुत ही प्यारी सुबह है आज। और यहां पर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। सबसे पहले, एज यूजुअल संडे की शाम को 6 बजे हम करेंगे लाइव सेशन। लाइव सेशन में अगर आपके कोई भी सवाल हो, आप मुझे अभी लिख के भेज सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से। संडे की दोपहर तक आप मुझे सवाल भेज दें, ताकि मैं उस सवालों के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करके आपको संडे की शाम को लाइव सेशन में हम उन टॉपिक्स पे बात कर पाएं। इसके अलावा एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, पर्सनल सवाल के जवाब अभी लाइव सेशन में आपको नहीं दे पाऊंगा। तो अगर आपको कोई जनरल सवाल पूछना है या कोई कैलकुलेशन समझनी है, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। पर्सनल सवाल मैं बहुत जल्दी उसके लिए भी लाइव सेशंस स्टार्ट करूंगा, जिसमें आप अपने सवाल पूछ पाएंगे और मैं कैलकुलेशंस करके आपके सवालों के जवाब आपको दे पाऊंगा। ओके, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी की रिक्वेस्ट थी कि पॉजिटिविटी का वीडियो नहीं आ रहा है, वो आप प्लीज़ भेजिए। तो मैं आज उसकी कैलकुलेशन लेके आप सभी के सामने हाजिर हूँ यहाँ पर। और कोरोना यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर 85% से ज़्यादा की रिकवरी हमारे सामने हो चुकी है। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। एक और भविष्यवाणी जो सही हुई है यहाँ पर, जो मैंने बोली थी आपको सितंबर में, मैं कंटिन्यू कहता आ रहा था कि कोरोना डिक्रीज हो रहा है, कोरोना डिक्रीज हो रहा है, और सभी कह रहे थे कि नहीं नहीं कोरोना तो नहीं खत्म हो रहा है। और ये न्यूज़ में भी नहीं बताया गया है, ना ही ये कहीं और बताया गया है। जो चीज मैं आपको बता रहा हूं, जिस चीज पे मैं शुरू से फोकस कर रहा था यहां पे, 17 सितंबर 2020 का अगर आप कोरोना का ग्राफ देखेंगे, तो एक्टिव केसेस जो थे वो 10,17,000 थे। 10,17,000 एक्टिव केसेस थे 17 सितंबर 2020 को। और आज अगर आप कोरोना के एक्टिव केसेस देखेंगे, तो ये घटके हो चुके हैं 9 लाख। अब आप देखिए कि पूरे 1 लाख से ज्यादा केसेस, 1 लाख से ज्यादा केसेस 17 सितंबर के बाद से लेके आज तक की डेट में कम हुए हैं। क्या आपको नहीं लगता ये पॉजिटिविटी वाली बात? क्या आपको नहीं दिख रहा कि ये केसेस कम हो रहे हैं? अब आप देखिए, किसी भी न्यूज चैनल पे ये नहीं बताया गया है कि 1 लाख केसेस कम हो गए। जब केसेस बढ़ रहे थे, तो एवरीबॉडी वाज सेइंग कि केसेस बढ़ रहे हैं, केसेस बढ़ रहे हैं। आज 1 लाख केस बढ़ गए, आज 2 लाख केस बढ़ गए। और यहां पर पिछले एक महीने से कम समय में 1 लाख से ज्यादा केसेस कम हो चुके हैं, और किसी ने नहीं बताया। तो इसीलिए अभी भी मैं आप सभी को कह रहा हूं, अगर कोई भी यहां पर कोरोना के केसेस को लेके बहुत ज्यादा पैनिक है, तो प्लीज परेशान मत होइए, पैनिक मत होइए, अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रांग रखिए। ये बहुत जरूरी है आप सभी का अपने आप को स्ट्रांग रखना, क्योंकि हमारे देश में, जैसे मैंने पहले भी कहा था, कि कोई न कोई मुद्दा अब यहाँ पर धीरे धीरे खड़ा होता जाएगा। देखिए, भ्रष्टाचार का मुद्दा धीरे धीरे बाहर निकल रहा है। जी हाँ, हाथरस, एक जहाँ पर हादसा हुआ था, हाथरस के हादसे ने फिर एक नया मोड़ यहाँ पर लेना शुरू कर दिया है। और धीरे धीरे देखिएगा, भ्रष्टाचार का मुद्दा, आरक्षण का मुद्दा और शाहीन बाग वापस से आएगा यहाँ पर। ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ और ये मैं वापस बोल रहा हूँ कि ये पुराने गड़े मुर्दे वापस से बाहर निकल के आएंगे ही आएंगे, ये 100% श्योर है। आरक्षण पंजाब, राजस्थान, शाहीन बाग दिल्ली में वापस गर्माने वाला है। उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार का मुद्दा आने वाला है। बिहार के इलेक्शन में दंगे होने वाले हैं। ये चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर होने वाली है, और ये कंफर्म है कि ये होते हुए हम सभी को दिखाई देगी। तो इसीलिए यहाँ पर कोरोना अब कहीं ना कहीं मीडिया से दूर जा चुका है। सुशांत सिंह राजपूत के केस ने भी देखिए कितने सारे मोड़ लिए, और कहाँ पर किस तरह से कितना ज़्यादा टारगेट किया गया था वहाँ की गवर्नमेंट को। तो इसीलिए हर एक मुद्दे में इस बार निशाना जो भी बनेगा, वो सीधी की सीधी गवर्नमेंट होगी। और ये कि गवर्नमेंट को ही निशाना बनाना है, पॉइंट टू पॉइंट गवर्नमेंट को गिराने की ही साजिश की जाएगी, यही यहाँ पर रणनीति अब हर एक जने की रहेगी। तो इसीलिए कोई भी छोटा सा छोटा मुद्दा ही क्यों ना हो, या बड़े से बड़ा मुद्दा ही क्यों ना हो, टारगेट जो होगा वो सीधा गवर्नमेंट होगा। तो इसीलिए यहाँ पर जनता और गवर्नमेंट के बीच में एक संघर्ष देखने को अब हमें मिलने वाला है।
ऐसे चांसेस यहाँ पर दिखाई देंगे। इस बीच में जो भी लोग कोरोना से डर रहे हैं, उन सभी को बोलना चाहूँगा कि कोरोना से अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, कोरोना से अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जितना हो सके अपने आप को शांत रखें, जितना हो सके अपने आप को रिलैक्स रखें। आप सभी के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओवर अग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ग्रहों की जो चाल है वो अब कहीं ना कहीं यहाँ पर डायरेक्शन चेंज कर रही है थोड़ा सा, और ग्रहों की जो चाल है वो थोड़ा सा अग्रेशन यहाँ पर दे सकती है, ऐसे चांसेस बनेंगे। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अब जो समय चल रहा है यहाँ पर, बुध जो है यहाँ पर इस ईयर के जो राजा हैं बुध, वो यहाँ पर वक्री होने वाले हैं। साथ ही साथ सूर्य भी बहुत ही जल्द राशि परिवर्तन करने वाले हैं, उसका वीडियो भी आप लोगों को मिल जाएगा बहुत ही जल्द। सूर्य यहाँ पर राशि परिवर्तन करने वाले हैं और सूर्य जाने वाले हैं अपनी नीचे राशि में। जी हाँ, अब देखिए अगर आप कुंडली देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि मेष लग्न की कुंडली, काल पुरुष की कुंडली, सातवें घर पे सूर्य जो बैठे हुए हैं वो नीच के बैठे हुए हैं, और दसवें घर पे शनि जो हैं वो यहाँ पर स्वराशि बैठे हुए हैं। स्वराशि शनि, नीच के सूर्य और हंस योग बनाते हुए यहाँ पर कौन, गुरु। बहुत ही उत्तम संयोग ये बनेगा और बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन ये बनेगा, पर सूर्य कहीं ना कहीं दिखेगा कि मानव जन जीवन में अग्रेशन देने का काम यहाँ पे ज़रूर करेंगे। वो कहते हैं ना, छोटी सी बत्ती लगाने का काम यहाँ पर ज़रूर करेंगे, और आग में घी डालने का काम तो राहु केतु करते हुए ही आ रहे हैं, और क्योंकि वृषभ लग्न की कुंडली है तो बड़े बदलाव, बड़े यहाँ पर मतभेद, मनभेद, और साथ ही साथ डिवाइडेशन, डिवाइड एंड रूल वाली जो पॉलिसी है वो यहाँ पर चलने वाली है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं मुद्दा कोई भी हो बड़ा बनेगा, और छोटा सा छोटा मुद्दा भी यहाँ पर कहीं ना कहीं गर्माएगा, ऐसे चांसेस यहाँ पर दिखाई देते हैं। आम जन को, मतलब कि हमें क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ आस्था में अपना मन लगाना है। नवरात्रि आ रही है, अधिक मास का अंतिम समय है, जितना फ़ायदा ले सकें, जितना अपने आप को पॉजिटिव रख सकें रख लीजिए। ये अधिक मास बहुत जल्दी वापस नहीं आने वाला है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। इसीलिए जितना पुण्य ले सकते हैं उतना पुण्य अभी ले लीजिए, बाद में शायद मौका लेट मिले और उस मौके के चक्कर में हम ये पहले वाला समय खराब ना कर दें। इसीलिए यहाँ पर देखा जाए तो ये जो राशि परिवर्तन रहेंगे, सूर्य का होगा, बुध का होगा और यहाँ पर शुक्र का होगा। इस महीने तीन और बाकी है, मंगल ऑलरेडी वक्री हो चुके हैं, वक्री मंगल युद्ध जैसी स्थितियाँ पैदा कर रहे हैं, दो छोटे छोटे देश आपस में लड़ भी रहे हैं, तो इसीलिए कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पर अब धीरे धीरे होने वाली है। साथ ही साथ एक चीज़ और मैंने कही थी, इंटरनेशनल फ्लाइट्स यहाँ पर स्टार्ट होने वाली है, और एक देश कोलंबिया ने यहाँ पर इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए हरी झंडी दे दी है, और वो बहुत ही जल्द इंटरनेशनल फ्लाइट्स यहाँ पर स्टार्ट करने वाला है। धीरे धीरे अब देखिएगा बाकी के और देश भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स यहाँ पर शुरू करने वाले हैं। तो मैं जो चीज़ होने वाली है उसे कैलकुलेट करके आप लोगों को बता रहा हूँ, यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट कैलकुलेशंस करके वैदिक एस्ट्रोलॉजी की प्रिडिक्शंस आप सभी को दे रहा हूँ, ताकि आपको यकीन आए कि ज्योतिष शास्त्र में अभी भी दम है। आज की डेट में भी ज्योतिष शास्त्र उतनी ही पावर रखता है जितनी वो सालों पहले रखता था। हालांकि उस समय के विद्वान बहुत ही ज़्यादा प्रशिक्षित थे और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे, कि उनके अंदर भविष्य को देखने की क्षमता बहुत ज़्यादा गहरी थी। आज के समय में इतना समय नहीं मिल पा रहा है, रिसर्च बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, और उस रिसर्च के बाद मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि एक कैलकुलेशन दूँ आपको, पर वो एक सटीक कैलकुलेशन निकाल के दूँ। ऐसा नहीं कि मन आया जो बोल दिया, कुछ हो रहा है वो बोल दिया, बॉलीवुड के चक्कर में कुछ बोल दिया, ड्रग्स के चक्कर में कुछ बोल दिया, या किसी भी तरह से कोई भी कैलकुलेशन उठा के चिपका दी। ऐसा काम नहीं करता हूँ। एक कैलकुलेशन करूँगा, अच्छे से करूँगा, और उसको अच्छे से बताने की काम करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। बहुत सिंपल तरह से काम करता हूँ और बहुत सही रूल फॉलो करता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि आप सभी का भला जितना मेरे एंड से हो पाए मैं आप लोगों का भला कर पाऊँ, और आप सभी भी अपने द्वारा जितना खुद का और दूसरों का भला कर पाएँ उतना करिएगा, यही आप सभी से रिक्वेस्ट भी करता हूँ। इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करना है, बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर करना है, और बाकी सब तक इसको पहुंचाना है, ताकि दूसरे लोग भी चैनल से जुड़ पाएँ और हम अपने परिवार को और भी ज़्यादा बढ़ा पाएँ।
इसके अलावा कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी हर संभव मदद कर सकूं। इसके अलावा एक और बहुत अच्छी चीज़ लेके आ रहा हूं आप सभी के लिए, बहुत जल्दी उसके बारे में आप सभी को बताऊंगा। तब तक के लिए चैनल से जुड़े रहिए और अपना सपोर्ट देते रहिए। धन्यवाद।